सबसे पहले तो गाइस आप ये वाला वीडियो देखिएगा। पहले भी मैं तो अभी गाइस आप जो फ्री फायर फोटो मूविंग वाला वीडियो देख रहे हो, अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सेंड किया था भाई इसका एडिटिंग बताओ भाई, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अगर आप भी एक गेमर हो, ऐप ऐप खेलते हो या फिर BGMI भाई, अगर आप इस टाइप का वीडियो बना के अपलोड करोगे तो भाई पक्का वायरल जाएगा। तो चलिए अब आपको बनाना कैसे है एंड किस एप्लीकेशन से बनाना है। बनाना तो काफ़ी सिंपल है, फर्स्ट बार में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन एक बार बना लिया तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो आपके पास में सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए कुछ इस तरह का फोटो होना जरूरी है। अगर आपके पास में BGMI या फिर ऐप है ना तो आप उसमें से SS ले लेना, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेना मैप में जाके। स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें 4-5 पेड़ दिखाई दे रहा हो। अगर आपके पास में गेम नहीं है तो भाई मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा बैकग्राउंड का। अब देखो आपके पास बैकग्राउंड आ गया है तो भाई आपके पास PNG भी होना जरूरी है। तो उसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है Pinterest। तो Pinterest एप्लीकेशन में जाइएगा और फ्री फायर इमेज लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप फ्री फायर या फिर BGMI इमेज सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के इमेजेस आते हैं। अब देखो इन्हें इमेज में से आपको अपनी पसंद का इमेज देखना है। जैसे कि आपने देखा होगा ऐप में गर्ल और बॉय का इमेज होता है, यानी कि लवर टॉपिक का। आपको ज़्यादा नहीं लेना है भाई, जितना आपका पेड़ है ना, पेड़ के नीचे आपको PNG को लगाना है जैसा आपने प्रीव्यू में देखा था। तो यहाँ पे आपके पास अगर 5 पेड़ है, जैसे कि 5 पेड़ों के नीचे आप PNG लगाना चाहते हो तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लवर टॉपिक का PNG देख लेना। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा अपने हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से। और उसके बाद में डाउनलोड करना है तो काफ़ी सिंपल है, 3 डॉट पे क्लिक कर आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप इस तरह के इमेजेस को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करोगे तो भाई वो PNG में मिल जाएगा कम से कम 4-5। अगर आपने Pinterest या फिर गूगल से डाउनलोड किया है तो भाई आपको उसको PNG बनाना पड़ेगा, PNG नहीं होता है। तो उसके लिए आपको अपना गूगल कोरम ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल कोरम को ओपन करोगे तो सर्च में जाके आपको बैकग्राउंड रिमूवर लिख के सर्च करना है। जब आप बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करोगे तो आपको पहले नंबर पे ही वेबसाइट मिल जाता है रिमूव बैकग्राउंड वाला। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगा अपलोड इमेज, तो आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। और उसके बाद में जिस भी इमेज को आप PNG में बनाना चाहते हो वो वाला इमेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसको PNG इन्होंने बना दिया है। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इमेज को PNG बनाने के बाद डाउनलोड करना और भी सिंपल है। आपको नीचे डाउनलोड और डाउनलोड HD मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। इसी तरह से आपको सभी इमेजेस को PNG बनाना है, जैसे कि आपने जितना भी इमेजेस डाउनलोड किया होगा। मैंने पहले से ऑलरेडी 4-5 इमेजेस को PNG बना लिया था, आपको सिर्फ 2 इमेजेस के माध्यम से एग्जाम्पल दिया है। अब देखो गाइस आपने यहाँ पे PNG तो बना लिया है, अब आपको वीडियो बनाना है इन्हें PNG और बैकग्राउंड के साथ में, काफ़ी सिंपल है। उसके लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है अलाइट मोशन। मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो चलिए अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब आपको इसको 16:9 यानी कि YouTube वीडियो वाला साइज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। अब देखो जैसे ही आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। जब आप इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको जाना है मीडिया वाले सेक्शन में। अब देखो आपके पास में कुछ इस तरह का एक बैकग्राउंड होना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले बताया था आप फ्री फायर में से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको मूव पे जाके थर्ड वाले ऑप्शन से आप इमेज को थोड़ा जूम कर लेना। ये वाला जो बैकग्राउंड है ना कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, इसी वाली वीडियो की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा। बैकग्राउंड का जो टाइमिंग है ना वो मैक्सिमम 10 सेकंड से ऊपर का होना चाहिए। फिलहाल मैंने 40 सेकंड कर लिया है। अब देखो आपका टाइमिंग यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, तो आपको लेयर के स्टार्टिंग में रहना है। नेक्स्ट आपको प्लस पे क्लिक कर मीडिया पे जाना है। अब आपने जो भी ऐप प्लेयर का PNG बनाया होगा ना वो वाली PNG को यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अब आपको इसको पेड़ के नीचे ले जाना है। सबसे पहले तो आपको PNG के लेयर पे क्लिक करते हुए बैकग्राउंड के लेयर के लास्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों PNG का लेयर और जो बैकग्राउंड का लेयर है ना दोनों का टाइमिंग एडजस्ट हो चुका है। अब आपको PNG का जो लेयर है ना उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है। अब आपको थर्ड वाले ऑप्शन से आप जो PNG है ना इसको जूम आउट कर पाओगे, यानी कि आसान भाषा में बता देता हूँ जो PNG है ना इसको छोटा कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर आप जो PNG है ना इसको साइप अप कर पाओगे। तो आपको साइप अप कर यहाँ पे जो PNG है ना आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पेड़ के नीचे आप लगाना चाहते हो वो वाले पेड़ के नीचे ऐड कर देना है। अभी भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है उससे आप PNG को छोटा कर पाओगे। साथ में जो पहले नंबर का ऑप्शन है उससे आप साइप अप कर पेड़ के नीचे लगा पाओगे काफ़ी आसान तरीके से। अभी गाइस आपने देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पे PNG को लगाया हुआ है। अब आपको इसी तरीके से दूसरा वाला PNG लगाना है, तो प्लस पे जाके मीडिया पे जाइएगा। अब आपको जो भी आपका PNG होगा उसे यहाँ पे ऐड कीजिएगा। उसके लेयर का जो टाइमिंग है ना मैंने आपको बताया था पहले, सेम उसी तरीके से आप टाइमिंग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। अब देखो आपको मूव वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपको जो पीएनजी है इसको जूम आउट करना है तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो पीएनजी है इसको छोटा कीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है, काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पे पेड़ को देखना है, पेड़ के जस्ट नीचे पीएनजी को ले जाना है। पहले नंबर का जो ऑप्शन है ना उससे आप स्वाइप अप कर पाओगे। अभी देखो मुझे थोड़ा और छोटा करने की ज़रूरत है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी पहले नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड स्वाइप अप कर पेड़ के जस्ट नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने पीएनजी को छोटा किया है और किस तरीके से पेड़ के नीचे ऐड किया है। अब आपको नेक्स्ट वाला पीएनजी लगाना है तो लेयर के स्टार्टिंग में आइएगा, प्लस पे जाके मीडिया पे जाइएगा, जो भी पीएनजी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, उसका लेयर का टाइमिंग आप एडजस्ट कर लेना। इतना करने के बाद आपको मूव पे जाना है, उसके बाद आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है उससे आप पीएनजी को छोटा कीजिएगा एंड पहले नंबर का जो ऑप्शन है उससे आप पीएनजी को स्वाइप अप कर पाओगे। तो स्वाइप अप कर आप पेड़ के नीचे लगा देना पीएनजी को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब देखो भाई मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, आपको इसी तरीके से सभी पीएनजीज को अपने पेड़ के नीचे लगाना है, जितना भी आपका पेड़ होगा। जैसे कि फिलहाल मेरा तो 4 ही पेड़ यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड में, अगर आपके में 5 है तो 5 में लगा देना, अगर आपके में 6 है तो 6 में लगा देना। पीएनजी को पेड़ के नीचे कैसे ले जाना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और भाई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना तो आप समझ गए। अब आता है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम, आपको सभी पीएनजी को एक मूविंग के तौर पर दिखाना है। तो उसके लिए आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे आना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट आपको कैमरा पे क्लिक करना है, जब आप कैमरा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो बड़ा वाला स्क्रीन है उसके कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे छोटी वाली स्क्रीन में, यहाँ पे जो कैमरा है उस पे क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद में आप यहाँ पे छोटी वाली स्क्रीन में देख पा रहे हो इस कैमरे को यहाँ से ऑन करना है। जब आप यहाँ पे कैमरे को ऑन कर लोगे तो आपको यहाँ पे देखना है एक मूव एंड ट्रांसफॉर्म मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अभी देखो आपको अपने लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ से की फ्रेम लगाना है, तो लेयर के स्टार्टिंग में जब आप की लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा लेयर में आगे जाना है, मैक्सिमम 1.70 तक आगे जाना है। उसके बाद में जो थर्ड वाला ऑप्शन है उस पे जाने के बाद आपको पीएनजी को जूम करना है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना। अब देखो आपको पहले नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है। अब देखो आपने जो जूम वाले में दूसरा की लगाया है ना, सेम उसी जगह पे लेयर को स्टॉप करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड को मूव करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्वाइप अप कर जो भी आपको पीएनजी दिखाना है सबसे पहले उस वाले पीएनजी पे ले जाना है, पीएनजी को बीचों-बीच सेंटर में आपको रखना है। तो देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ एंड उसके बाद स्वाइप अप कर इसको बीचों-बीच सेंटर में ले आता हूँ। अब देखो आपने जो भी पहले पीएनजी दिखाया होगा ना उसके बाद आपको थोड़ा सा लेयर में गैप देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप मैक्सिमम जितना गैप मैंने यहाँ पे दिया है ना उतना गैप देने के बाद आपको की लगाना है। जब आप यहाँ पे की लगा दोगे तो आपको लेयर में थोड़ा सा और आगे जाना है, मैक्सिमम 1 सेकंड तक। उसके बाद आपको स्वाइप अप कर दूसरे वाले पीएनजी को यहाँ पे दिखाना है स्क्रीन पे। अब देखो आपने पीएनजी बीच सेंटर में कर लिया है, अगर आपको थोड़ा जूम वगैरह करना है या फिर जूम आउट करना है तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, जो पहला की है वहाँ पे की लगाना है। अब आपका जो लास्ट वाला की है ना वहाँ पे जाके लेयर को स्टॉप करना है, सेम उसी के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन से आप इमेज को जूम आउट या फिर जूम इन कर पाओगे। अब नेक्स्ट वाला पीएनजी दिखाने से पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो थोड़ा सा गैप देना है जितना मैंने दिया है। उसके बाद लेयर में थोड़ा सा आगे जाइएगा जितना मैं गया हूँ ना, जैसे कि 1 या 2 सेकंड तक। अब देखो यहाँ पे जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है उससे आप इमेज को जूम या फिर जूम आउट कर पाओगे। अब देखो मुझे स्वाइप अप करना है तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है ना यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा गैप देने के बाद की लगाऊंगा। अब लेयर में थोड़ा सा आगे जाते हैं मैक्सिमम 1 या 2 सेकंड तक, उसके बाद स्वाइप अप कर यहाँ पे दूसरा वाला जो भी नेक्स्ट वाला पीएनजी होगा, दूसरा वाला या फिर तीसरा वाला जो भी पीएनजी होगा ना आपको बीचों-बीच सेंटर में करना है। अगर आपको जूम या फिर जूम आउट करना है तो थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। ध्यान रखें जूम करने से पहले आपको की लगाना है, उसके बाद आपको जूम करना है। अब देखो आपको लेयर में थोड़ा गैप देना है पहले की तरह, उसके बाद आपको की लगाना है। की लगाने के बाद आपको जैसे कि आपने जूम में की लगाया है तो आपको करना है क्या, जैसे कि आपको थोड़ा लेयर में आगे जाना है, उसके बाद आपको जूम या फिर जूम आउट करना है। अब आपको इमेज को स्वाइप अप करना है तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है ना उस पे जाइएगा, उसके बाद आपने जो जूम में पहला वाला की लगाया था सेम उसी के ऊपर की लगाना है। लास्ट वाला जो जूम में की लगाया था ना सेम उसी के ऊपर लेयर को स्टॉप कीजिएगा। उसके बाद आपको इमेज को स्वाइप अप करना है, जो भी आपका नेक्स्ट वाला पीएनजी होगा ना उसको बीचों-बीच सेंटर में लाना है। अगर आपको पीएनजी में जूम वगैरह देना है तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ना वहाँ से आप जूम वगैरह कर पाओगे। आप यहाँ पे समझ गए, अभी मैं आपको थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अभी गाइस आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई कैमरे से शूट किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से शूट नहीं हुआ है। आपको पहले की तरह यहाँ पे थोड़ा गैप देना है लेयर में, थोड़ा सा गैप देने के बाद आपको यहाँ पे की लगाना है। जब आप यहाँ पे की लगाओगे अब आपको लेयर के एंड से 1 या 2 सेकंड पहले लेयर को स्टॉप करना है। उसके बाद आपको स्वाइप अप कर जितना भी आपका पेड़ वाला पीएनजी होगा
जैसे कि आपने जितना भी यहाँ पे पेड़ के नीचे पीएनजी लगाया है, एक बार मैं आपको सभी पीएनजी को यहाँ पे शो कराना है स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जूम आउट या फिर जूम इन वाला प्रोसेस करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी आप देख पा रहे हो एक बार में सारा पीएनजी यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अब आपको लास्ट में एक लास्ट शूट देना है जिससे हमारा वीडियो और भी ज्यादा हाई लेवल का बनने वाला है। तो आपको पहले की तरह थोड़ा सा गैप देकर की लगाना है। की लगाने के बाद आपको लेयर के लास्ट में जाना है। अब यहाँ पे जो जूम वाला ऑप्शन है थर्ड वाला, उससे आप इमेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देना। उसके बाद में जो पहले नंबर का ऑप्शन है उस पे जाइएगा। उसके बाद आपने जो जूम में पहला वाला की लगाया था सेम उसी के ऊपर की लगाना है। अब आपको लेयर के एंड में जाने के बाद आप जैसा चाहो वैसा स्वाइप अप कीजिएगा, जैसा चाहो वैसा जूम आउट या फिर जूम इन कर पाओगे। तो आपका दोनों ऑप्शन की लगाने के बाद यहाँ पे फ्री हो जाता है। लास्ट में आप देख पा रहे हो मैंने जूम और स्वाइप अप वाले में दोनों में की लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आसानी से इमेज को छोटा कर पाऊंगा, साथ में जूम भी कर पाऊंगा और स्वाइप अप भी कर पाऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे इमेज को जूम आउट कर और स्वाइप अप कर बीच सेंटर में लाया हूँ। यहाँ पे चार ही पीएनजी हमारा दिखने लगा है। तो हमारा जो वीडियो है ना यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ, जैसे कि पहला पीएनजी, उसके बाद दूसरा पीएनजी, तीसरा पीएनजी, नेक्स्ट यहाँ पे चौथा पीएनजी। अभी देखो यहाँ पे चार ही पीएनजी एक शूट में यहाँ पे दिख रहा है, कैमरे की तरह शूट हो रहा है भाई, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे लास्ट में चार ही पीएनजी एक साथ में। तो इस तरीके से आप इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो बना पाओगे। और भाई पहली बार में तो सभी को दिक्कत होने वाला है, मुझे पता है भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड एडिटिंग है, लेकिन अगर आपने एक बार बना लिया ना तो भाई चुटकियों का खेल है, आप आसानी से बना पाओगे। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी फिर इन दोनों में से कोई भी वीडियो देख लो। चलो वहीं पर मिलते हैं भाई।